बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रेरणा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको मेरी स्क्रीन पर दिख जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कोई स्पेशल प्रोडक्ट रिव्यू करूँ तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मैं जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई जरूर करूंगी और जितनी जल्दी हो सके आपकी वो वीडियो जरूर अपने इस चैनल पे लेकर। एक बहुत ही जरूरी चीज, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी मिस आउट किया है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर DM कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना 2 साल का एक्सपीरियंस इस गार्नियर क्रीम का। और इसे मैंने 2 साल इसलिए यूज़ किया क्योंकि जब इसका एड आया था तो हम सब बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्यूरियस थे, क्योंकि ये गारंटी देता है कि आपको स्पॉटलेस स्किन अपनी दिखेगी 1 हफ्ते में। तो जब मैंने इसका एड देखा तो मैंने सोचा तो क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, इसलिए मैंने भी इसे परचेज किया। और 2 साल हो गए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए। मैंने इसे सुबह शाम दोनों टाइम अपने मॉइस्चराइज़र के रूप में यूज़ किया है। अगर डिटेल्स की बात करूँ तो पहले बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग ये बहुत ही इजी टू ट्रैवल, इजी टू कैरी है, कहीं भी फिट हो जाती है, हाथ में भी इजीली आ जाती है, ग्रिप भी इसकी बहुत अच्छी है। अगर बात करूँ क्वांटिटी और प्राइस की तो आपको मिलती है 139 में 45 ग्राम्स ऑफ क्रीम। मेरी ये क्रीम 1 महीने चली थी और एक बॉटल आज 1 महीने चली थी, जिसमें मैंने इसे सुबह भी लगाया है, इसे शाम में भी लगाया है। तो आई गेस क्वांटिटी 1 मंथ के हिसाब से प्राइस भी ठीक है और क्वांटिटी वाइज भी ये सफिशिएंट है। तो चलिए बात करते हैं इसके टेक्सचर और इसकी फ्रेग्रेंस की। अगर आप टेक्सचर देखें तो पहली चीज़ तो ये वाइट कलर में आती है, बहुत ही इजी और स्मूथ टेक्सचर है इसका, स्किन पे इजीली स्प्रेड हो जाती है। स्टोरेज की बात करूँ तो जब मैंने इसे फ्रिज में स्टोर किया था, मतलब फ्रीजर में नहीं फ्रिज में, तो ये थिक ही था इसका टेक्सचर। लेकिन समर्स में जब मैं इसे बाहर रखती थी तो ये बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में हो जाता था, तो जब मैं उसे लगाती थी तो मेरे थोड़ा सा अनईजी होता था वो। तो चलिए अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ। मेरी जो फेस की स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर मैं बोलूँ तो ऑयली ज़्यादा है। तो अगर आपकी भी स्किन ऑयली है तो मैं आपको डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगी। ये कहता है कि इससे जो स्पॉट्स हैं वो आपको 1 हफ्ते में कम होते हुए दिखेंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे स्पॉट्स थे वैसे के वैसे ही रहे, इसलिए मैंने इसे 2 साल यूज़ किया कि शायद जो 1 हफ्ते में नहीं हुआ वो 2 साल में हो जाए। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरे स्पॉट्स नहीं गए। लेकिन हाँ, इसका एक प्लस पॉइंट है, मेरी स्किन पे जो ऑयल आता था, इनफैक्ट जो समर्स में आता था, वो इससे कंट्रोल रहने लगा। मैंने पहले भी बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ की है जो स्पेसिफिकली मेंशन करती है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसमें ऑयल नहीं आएगा। लेकिन अगर उनका रिजल्ट देखूँ और इसका रिजल्ट देखूँ तो इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए मैंने इसे 2 साल यूज़ किया है। और मैं आपको भी डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, अगर आपकी स्किन टाइप मेरी जैसी है, कॉम्बिनेशन स्किन है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑयली है, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई करें। इसे लगाने के बाद आपके फेस में हल्का सा ग्लो भी आता है। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसका एक फेस वॉश भी आता है उसके बाद इसे यूज़ करेंगे, तो आपका जो फेस है वो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, ग्लो आपकी स्किन पे रहेगा। ग्लो जो है इसका, सिर्फ अगर मैं सुबह की बात करूँ, जब मैं इसे सुबह लगाती हूँ तो मेरा ग्लो आराम से 5-4 घंटे तक रह जाता है, जो कि आई गेस हम लोगों के लिए ठीक है। अगर आप सिर्फ मॉइस्चराइजर की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं उसके लिए कोई स्पेशल सा अलग से फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ ये मॉइस्चराइजर लगा के जाती हूँ और अपना लिपस्टिक और लाइनर लगाती हूँ, तो उससे भी मेरा फेस बाहर भी काफ़ी ग्लो करता है, ऑयल तब भी नहीं आता। ये बात मैं आपकी समर्स के लिए भी बोल रही हूँ, मैंने समर्स में भी सिर्फ अपना मॉइस्चराइजर लगाया था, तब भी मेरी स्किन पर इतनी जल्दी ऑयल नहीं आया था। तो हाँ, जो ये गारंटी देती है ये क्रीम, ये कंपनी, कि आपकी स्पॉटलेस स्किन हो जाएगी, मेरे लिए वैसा वो चीज़ नहीं थी। लेकिन हाँ, सेकंड चीज़ जो अगर ये बोलते हैं कि आपका जो स्किन है, जो ऑयली स्किन है, वो आपकी स्किन पर ऑयल नहीं आएगा, वो चीज़ मैं आपको बोल सकती हूँ कि वो 100% ट्रू हुई है मेरे लिए। तो
बात करूं कि आपको मैं ये रिकमेंड करूं या नहीं करूं, तो मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, एक बार तो आप जरूर ट्राई करें। क्योंकि अगर प्राइस की बात करें तो इस प्राइस में आपको ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिलती है। मेरे इस चैनल पे जो भी वीडियो आती है जिस भी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करती हूँ, वो सब पहले मैं खुद पे टेस्ट करती हूँ, तभी उसका रिव्यू मैं आपको देती हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मेरा रिव्यू अच्छा था, तो आप डेफिनेटली इसको ज़रूर बाय करें। तो अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर आपकी कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर इस क्रीम के बारे में सोच रही हैं, तो उनको शायद मेरी ये वीडियो हेल्पफुल हो। आप मेरे को चाहें तो मेरे को DM भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी मैंने मिस कर दी है इसमें, तो आप मुझे DM ज़रूर करें मेरे Instagram ID पे, मेरी ID आपको स्क्रीन पे ज़रूर दिख जाएगी। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी आपका रिप्लाई करूँगी। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बेस्ड हैं, जो मे भी आपके लिए आगे हेल्पफुल भी। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं अब मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।